हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब लोग सही होंगे। तो आज हम इसमें बात करेंगे यूके जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ कितनी है। ठीक है, बहुत यहाँ पे कम कट ऑफ गई है, कम तो नहीं कह सकते, फिर भी गई हुई है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ओके, एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। ठीक है, हमारे जो थे फिजिकल में, मेरे भाई के फिजिकल में, ठीक है, और रिटर्न में, ठीक है, यहाँ पे क्या था, फिजिकल में कितने मार्क्स बने थे, 95 इनने फिजिकल में करे थे, और रिटर्न में मार्क्स एक्यूरेट सही करे थे 75। ये टोटल हो जाता है 170। और यहाँ पर भी नाम नहीं आया है जनरल में, ठीक है, यहाँ पर भी नाम नहीं आया है, पहली बात। अब इसमें हम चलते हैं आगे को, सारा हम बताएंगे इसमें कितना डाटा आया था, हमने बताया था आपको, बताएंगे करके कल को वीडियो में। ठीक है, पूरा डाटा हम लेके आए हैं, क्या कट ऑफ गई है जनरल की, ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की तो बहुत कम गई है, पहले बात बता दूँ। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं मेल में कितने कैंडिडेट को लिया गया है, 2090 कैंडिडेट को लिया है। फीमेल की बात करें, यहाँ पे 203 फीमेल को लिया गया है। ठीक है, टोटल मिला के कितने यहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, 2293 यहाँ पे कैंडिडेट जो है सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और पोस्ट कितनी है, पोस्ट आपकी 1521 पोस्ट में से इतने यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। कितने गुना, डेढ़ गुना, लगभग डेढ़ गुना बच्चों को लिया है। क्यों? क्योंकि डीबी में अभी लिया जाता है, डीबी में किसी का गलत हो सकता है, कोई और तैयारी कर रहा है। ठीक है, इस हिसाब से लिया जाता है, जैसे पटवारी में, अगर कांस्टेबल में हो गया वहाँ पटवारी में भी हो गया, या कनिष्ठ सहायक में भी हो गया वहाँ चले जाएगा जंप करके। ठीक है, तो कांस्टेबल को छोड़ देगा, इसलिए यहाँ पर डेढ़ गुना बच्चे लिए जाते हैं। ठीक है, लगभग डेढ़ गुना बच्चे लिए हैं। ओके, अब बात करें इसमें, ठीक है, इसमें धांधली तो हुई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा नहीं सकती, इतनी अचानक इनने पता नहीं क्यों दे दिया है, धांधली पक्का ही हुई है। ठीक है, घोटाला तो यहाँ हर वैकेंसी में है। ठीक है, तो क्या इसमें घोटाला नहीं होगा, इसमें घोटाला पक्का होगा। ठीक है, क्योंकि मार्क्स बन नहीं रहे हैं, जिनका भी हुआ है उनकी अच्छी बात है, ठीक है, उनको बधाई हो, शुभकामनाएं हो, बट जिनका नहीं हुआ अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ के लिए हम देख लेते हैं एक बार, तो चलिए कट ऑफ देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक स्टूडेंट था, अब आपको हम बता देते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 150 वाले का भी एक मैसेज आया था, नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें जबकि 159 वाले का यहाँ पे हो गया है। ठीक है, और खास बात है कि 170 मार्क्स है, इसमें रोल नंबर ही नहीं आया हमारा भी जनरल में। ठीक है, तो 159 वाले का भी हुआ है यहाँ पे सिलेक्शन, इसका मतलब 159 यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, फीमेल की बात करें, अगर इसमें यहाँ पे 160 वाली यहाँ पे गर्ल्स का नहीं हुआ है, ठीक है, वही बात करें, 167 जिसके मार्क्स हैं उसका हो गया था यहाँ पे गर्ल्स में जनरल में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस बात कर लेते हैं हम, ईडब्ल्यूएस की बात करें, 149 में यहाँ पे एक स्टूडेंट का हो गया था। ठीक है, तो 149 में ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे एक स्टूडेंट मिला है, उसका 149 में हो गया है। अब बात करें इसमें गर्ल्स की, बात करें फीमेल में ईडब्ल्यूएस की, उसमें भी यहाँ पे 145 जिसके एक गर्ल्स के मार्क्स थे उसका वहाँ पे सिलेक्ट हो गई थी। ठीक है, ओबीसी की बात करते हैं हम इसमें, तो ओबीसी की बात कर लेते, तो इसमें 153.75 यानी कि एक यहाँ पे टीचर है, उन्होंने बताया था इतने में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और इतने में नहीं हुए, 153.75 में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, यानी कि सिलेक्ट नहीं हुए, 154 में है, जबकि सिलेक्ट हुए हैं ओबीसी में, 154 में यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं। वहीं 165 वाला भी यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है ओबीसी में। ठीक है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का डाटा है। ठीक है, तो यहाँ पे 154 में सिलेक्ट हुए हैं। एससी की बात करें, एससी में यहाँ पे 145 वाला सिलेक्ट नहीं है। ठीक है, जबकि 152 वाला यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, अब बात करें एससी में, एससी में ही यहाँ पे फीमेल की बात कर लेते हैं, 150 वाली यहाँ पे नहीं हुई है सिलेक्ट, जबकि 153 वाली यहाँ पे सिलेक्ट हुई है एससी में। ठीक है, और वही बात करें एसटी की, बात करें 148 में सिलेक्ट नहीं हुए हैं, 152 वाले यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, ये डाटा निकल के सामने आ रहा है। वही बात कर लेते हैं फीमेल की, बात कर लेते हैं 153 वाले के सिलेक्ट नहीं हुई है, जबकि, ठीक है, जबकि 157 वाले सिलेक्ट यहाँ पे हुए हैं। अब मैं इसमें आपको रोचक तथ्य बता देता हूँ। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग है, मेरे पास एक कमेंट आया था उसके एसटी में, ठीक है, फीमेल की, या फीमेल थी या मेल थी, ठीक है, वो कमेंट मैंने देखा था, 165 यहाँ पे एसटी के मार्क्स आ रहे हैं एसटी में। ठीक है, उसका नाम ही रोल नंबर ही नहीं आया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कमेंट इससे पहले वाली वीडियो में, उत्तराखंड पुलिस का रिजल्ट जिसमें उन्होंने बताया आपको, जबकि हमारे भी 170 में यहाँ पर नाम ही नहीं है, रोल नंबर ही नहीं आया, पता नहीं क्यों। ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, कोर्ट जाएंगे इसमें भी आपको। ठीक है, अगर हमारा रोल नंबर तो मैच हो नहीं रहा है, अब देखते हैं, हमारे खुद के भाई का था। ओके, तो ये आपके पास जो है पूरा ही यहाँ पे डाटा हमने लागे हैं कट ऑफ का, और बाकी आप लोग हमको सब्सक्राइब जरूर करें, आगे की जो भी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करा जाए। ठीक है, घोटाला तो हुआ ही है इसमें, क्योंकि हमारा को तो खुद आया नहीं है। ठीक है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी हम लोग कोर्ट केस करेंगे इसमें। ओके, तो क्यों नहीं हुआ, कितने यहाँ पे कट ऑफ है, कट ऑफ भी बताएंगे वो। ठीक है,
कटऑफ भी बताएंगे, आरटीआई हम डालेंगे इसमें, कटऑफ भी बताने चाहिए उनको, उनके नाम भी उनमें सार्वजनिक करिए जो आपने रोल नंबर दे दिए हैं, बस ऐसा नहीं, ठीक है। क्यों हो सकता है घोटाला? क्योंकि देखिए अभी आप लोगों ने देखा होगा रिजल्ट जब आया होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है एक ही पिता के नाम पर, ठीक है, कितने ही स्टूडेंट निकल जाते हैं, यानी कि चार लड़के होंगे तो चारों के चारों के नाम पिता का नाम एक ही भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, ठीक है, एक ही घर से तीन चार लोग निकाले भी होंगे इसमें, ऐसा भी हो सकता है कांस्टेबल में, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है, इतनी जल्दी इन्हें रिजल्ट कैसे निकाल दें, आखिर हम लोग इसमें प्रदर्शन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, सब्सक्राइब एंड लाइक करके जरूर जाइए।